एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी मेरी रह गई थी, बस वो कर रही हूँ कंप्लीट, क्योंकि सुबह में मुझे जाना है। जाते समय इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा, और आते समय बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बहुत बहुत टाइम बाद आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, फिर मैं रुक भी नहीं पाती। मैं सोच रही थी कि मैं जब भी जाऊँगी घर तो एक आध हफ्ते के लिए जाऊँगी, लेकिन नहीं, एक आध हफ्ते की अगर सोचती रहती तो फिर आना नहीं होता। इसलिए यहाँ पर मैं एक दिन के लिए ही आ गई थी, और भैया ने जो है कसम देकर रुक लिया था, तो 2 दिन रुक गई हूँ। और आज मैं जो अपनी पैकिंग करने लगी हूँ, जा रही हूँ मैं सुबह में फिर से वापस चंदौसी। और यहाँ पर वैसे तो पैकिंग मैंने दिन में कर ली थी, लेकिन कुछ भी बच्चों का छूट जाता है, तो इसलिए मैं इनका एक बार चेक और कर लेती हूँ। बच्चों के कपड़े वगैरह कुछ ना कुछ रह ही जाते हैं, तो यहाँ पर बस वही चेक कर रही थी। मम्मी जो है रुचि से बात कर रही हैं, रुचि का फ़ोन आया हुआ है। तो अब करीबन जो है सुबह के बज रहे हैं 3:30, और मैं यहाँ पर हो चुकी हूँ रेडी। 3 बजे मैं उठ गई थी और उठकर रेडी हो चुकी हूँ। बस यहाँ पर जो है आज मेरा व्रत है गणेश चतुर्थी का, तो बस चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीऊँगी, ऐसे ही मुझे जाना है घर। मम्मी वैसे चाय वगैरह बना लेती हैं और मैं जाती हूँ तो मतलब बहुत थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला कर भी भेजती हैं, लेकिन आज मेरा व्रत है तो बस चाय भी नहीं पीऊँगी, सीधे घर जाकर पूजा वगैरह कर कर भी कुछ खाऊंगी पीऊंगी। यहाँ पर जो है बच्चों को जो है उठा लिया है, लेकिन बच्चे इस गाड़ी से जो है ना बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि उन्हें आती है नींद और नींद ख़राब हो जाती है बच्चों की, क्योंकि 3:30 बजे से उठकर बच्चे हो जाते हैं परेशान। लेकिन मैं वैसे दिन में जा रही थी, लेकिन भैया ने जाने नहीं दिया था, रोक लिया और बहुत कसम वगैरह देने लगा था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और इसके डैडी से बात करी थी मिष्टी के, तो फिर वो मान गए, तो मैंने कहा चलो, तो बस मैं रुक गई थी। अब यहाँ पर जो है ना बस जा रहा है भाई, और बारिश इतनी तेज़ वाली शुरू हो गई 3 बजे से कि मैं डर रही थी, मैंने कहा कहीं बारिश बंद नहीं हुई तो फिर ये गाड़ी भी निकल जाएगी मेरी। और आज है गणेश चतुर्थी तो मुझे जाना भी था, मैंने कहा घर पर ही जाकर पूजा वगैरह करूँगी, लेकिन बस बारिश बंद हो गई तो फटाफट से जो है भैया के पास, ऑटो वाले भैया का नंबर था, उन्हें बुला लिया है, और बस वो हमें स्टेशन तक छोड़ देंगे। यहाँ सब लोगों से मैं मिल लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं। बस सब लोगों से मिल ली हूँ। यहाँ पर जो है बच्चे मतलब चिंकी सो रही है अभी, और चीकू उठ गया था, तो चीकू भी हमारे साथ स्टेशन तक गया था, भाई छोड़ने गया था ना, तो भाई के साथ मतलब वो वापस आ गया था, लेकिन वो माना नहीं, साथ में गया, तो मैंने कहा चलो। और देखिए कितना अंधेरा हो रहा है, पानी पानी हो रहा है चारों तरफ, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ वाली होके चुकी है और एकदम अंधेरा हो रहा है, क्योंकि वही है ना कि सुबह सुबह जब जाती हूँ ना मैं इस गाड़ी से, तो बहुत अंधेरा रहता है और बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, घर पहुँचते पहुँचते जो है दिन निकल आता है, और दिन निकलते निकलते अपने घर पहुंच जाते, तो सफ़र पता भी नहीं चलता है इस गाड़ी से। तो गर्मियों में तो बहुत अच्छी है ये गाड़ी, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ऑटो वाले भैया खड़े हुए हैं, लेकिन मैं मंदिर है इधर पास में ही, तो वहाँ हाथ जोड़ने के लिए मैं चली गई थी, मैंने कहा वहाँ पर हाथ वगैरह जोड़ लेती हूँ फिर चलते हैं। तो बस घर से जो है आ गए हैं हम लोग, मम्मी चाची खड़ी रह गई दोनों। तो बहुत बुरा लगता है इस तरीके से लौट कर जाना घर, लेकिन जाना है घर से। तो मैं यहाँ पर जो है बस आ गए हैं हम लोग, स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, और अंधेरा काफ़ी हो रहा है अभी, लाइटें सारी जल रही थी तो अच्छा भी लग रहा था काफ़ी, और बारिश होकर चुकी है तो देखिए सारा रोड जो है वो बिल्कुल एकदम गीला हो रहा है। और यहाँ पर चीकू हमारे साथ आ गया है, क्योंकि चीकू जो है ना उड़ गया था हम लोग के साथ ही, तो बस वो जिद कर रहा था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, साथ में भाई के वापस आ जाएगा। Thank you.
बाय बाय। तो भाई और चीकू चले गए हैं और ट्रेन जो है वो चल दी है। तो करीबन आधी रास्ते पे हम लोग पहुंच चुके हैं और दिन निकल आया है काफ़ी, और यहाँ पर जो है बंदर बहुत सारे थे स्टेशन पर। गाड़ी थोड़ी देर यहाँ पर रुकी थी, अभी जो है अभी सो रहा है। मिष्टी जो है बिस्किट खा रही थी क्योंकि इसको थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो ये बंदरों की वजह से ना इस तरीके से खा रही थी क्योंकि बंदर बैठे हुए थे बहुत सारे, तो उससे डर लग रहा था कि बंदर जो है बिस्किट देख कर अंदर ना आ जाए। तो मैंने कहा गाड़ी चलने लगे तो खा लेना, लेकिन उसको भूख लग रही थी, वेट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर इस तरीके से छुप छुप कर खा रही थी। तो बस बैजोई आ चुका है, इसके बाद चंदौसी आएगा। ये सवारी जो है बैजोई उतरेंगे ये लोग, और सफ़र जो है ये वाला पता नहीं चलता बिल्कुल भी। दोपहर में जब आते हैं तो वो सफ़र पता चलता है, लेकिन ये दिन निकलते निकलते ना हम लोग अपने घर आ जाते हैं। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, चारों तरफ बारिश वगैरह हो रही है, तो बहुत अच्छा वाला मौसम हो रहा था और इतनी बढ़िया लग रही थी ये हरी हरी सी, मतलब सारे खेत वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग पहुँच चुके हैं, चंदौसी स्टेशन पर उतर गए हैं। तो हमने कहा थोड़ा सा ही सामान है तो अभी के डैडी को नहीं बुलाते हैं, तो हम लोग जो है बाहर आ गए थे स्टेशन से निकलकर। लेकिन अभी के डैडी जो है ना आ गए थे टाइम से, उन्हें पता था टाइम है गाड़ी का हो गया है, और वो ना मोबाइल पर देखते रहते हैं कि गाड़ी कहाँ पहुँच गई कहाँ पहुँच गई। तो वो जो है आ गए थे, हमने फ़ोन नहीं किया था बुलाने के लिए, हमें आ गए थे। इधर में जो है बच्चे देखकर एकदम खुश हो जाते हैं डैडी आ गए। तो यहाँ पर बस हम लोग अब अपने घर जा रहे हैं और पूजा का जो है टाइम हो रहा है। तो गाड़ी जो है बिल्कुल राइट टाइम आई थी, 7:30 पर आ गई थी यहाँ पर। घर पहुंच गई हूँ, मेरा व्रत था इसलिए जो है अभी के डैडी ने सारी तैयारियां कर रखी हुई थी, और सब साफ सफाई वगैरह कर दी थी, मंदिर वगैरह क्लीन कर दिया था, सारा सामान जो भी है पूजा का वो लेकर आ गए थे। तो बस मैं यहाँ आकर नहा कर आई हूँ, और नहा कर आकर ना मैंने यही वाला सूट डाल लिया है क्योंकि मैं सुबह में ही नहा कर पहन कर आई थी, तो मैंने वही वाला डाल लिया है। और बस यहाँ पर जो है अपने गणपति को गंगा जल से स्नान करा दिया है और उन्हें पोशाक जो है वो पहना दी है, और अब यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह फल फूल धूप घास और नारियल ये सारी चीज़ें जो हैं रख लेती हूँ थाली में, और बस पूजा कर लेती हूँ। तो सुबह में जो है नहा कर आई थी, लेकिन फिर भी सफ़र जो है कर आई थी, तो मैंने कहा चलो जो है फटाफट से जो है नहा कर पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो सूट मैंने यही वाला डाल लिया क्योंकि सुबह मैं पहन कर आई थी इस सूट को। और यहाँ पर जो है बस ये फूल माला वगैरह जो है वो गणपति जी को पहना देते हैं। और वैसे हमने गणपति जी नहीं रखे हैं मतलब घर में, क्योंकि वैसे ये पंडाल लगता है हमेशा हमारे यहाँ पर, तो हम वहीं पर सेवा वगैरह कर लेते हैं, लेकिन इस बार नहीं लगा। तो बस घर पर जो है जो गणपति थे हमारे उन्हीं की हमने पूजा वगैरह कर ली है, और बस ये स्थापना नहीं की है गणपति की। तो यहाँ पर जो है फ्रूट्स वगैरह सब
रख देती हूँ, फूल माला वगैरह चढ़ा दी है और पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद ही पानी वगैरह चाय वगैरह जो है वो पीऊँगी, क्योंकि सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया है, प्यास भी लग रही थी मुझे, क्योंकि सफ़र में थोड़ा सा लगता है और मुझे ना सुबह में आदत है पानी पीने की, सुबह को मैं गर्म पानी पीती हूँ ना तो वही आदत है। तो मैं चलो पूजा वगैरह कर लेते हैं फटाफट से। और अभी के डैडी को ना पता था कि मेरा व्रत है, तो उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी, मुझे आकर कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस मैं आई आकर नहा ली हूँ, नहा कर बस यहाँ पर पूजा करने लगी थी, बाकी मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा था, सारी तैयारियाँ उन्होंने कर ली थी। बस ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि इन चीज़ों में ना मतलब ऐसे हैं, मतलब ये मैं घर से वैसे भी आती हूँ ना, तो मुझे आकर साफ़ सफ़ाई की टेंशन ज़्यादा नहीं रहती है कि मुझे साफ़ सफ़ाई वगैरह कुछ करनी है जाकर, ऐसी चीज़ें ये कर लेते हैं। बस खाने का ही प्रॉब्लम रहती है, खाना जो है नहीं बनाना आता है, तो बस खाना वगैरह जो है वो मैं बनाऊँगी, और बाकी का जो है इतनी टेंशन मुझे नहीं रहती कि मुझे जाकर पहले साफ़ सफ़ाई करनी है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। बस आकर बस सिर्फ़ मुझे नहाकर पूजा करनी है और फिर मैं जो है पानी वगैरह चाय वगैरह ले लूँगी। कैसे हैं आप सब? तो आज है गणेश चतुर्थी और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पूजा वगैरह कर ली है मैंने और अब की बार जो है हमारे घर के बाहर पंडाल नहीं लगा, बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हर साल लगता है और इस बार बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो बस गणपति जा रहे हैं, जगह जगह जो है बिठाए जाते हैं, तो फिर सभी लोग ले लेकर जा रहे हैं और पूजा कर ली है, दलिया बनाने रख दिया था पहले और अभी सुबह ही मैं घर से आई हूँ वापस।